आप लोग 27 तारीख को राजभवन मार्च करने वाले हैं। 28 को महाधरना है। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, उसके बाद 28 को राजभवन मार्च है और राजभवन हम पहुंच के रहेंगे और गद्दी से उतार के रहेंगे। अब बिहार की जनता उग चुकी है और बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा पर विश्वास करके उनके कहने को मानते हुए उन्होंने अपील किया था बिहार की जनता को, भाजपा को रोकने के लिए मुझको मैंडेट दीजिए। बिहार की जनता ने महागठबंधन को बड़ी मजबूती के साथ 2/3 बहुमत दिया, जिसमें से एक आदमी भाग गया। कांग्रेस भी हमारे साथ वही है, आज भी सबसे बड़े दल हैं हम, सबसे बड़ा अलायंस है हम। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, भाजपा और कांग्रेस को बना लिया। बिहार की जनता अब एक मिनट दिखना नहीं चाहती है। बिहार की जनता की जो मांग है, बिहार की जनता चाहती है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने आंदोलन के जरिए, क्योंकि ये वोट से तो ये सरकार बनी नहीं है, तो हम वोट का इंतजार क्यों करेंगे? वोट से पहले इनको तुरंत जितना जल्दी हो धक्का मार के हिला डुला के इनको हटा देंगे ना, क्योंकि इन्होंने घोटाला किया है ना, बिहार की जनता के वोट का घोटाला किया है। इससे बड़ा घोटाला और क्या हो सकता है? लोकतंत्र में इससे बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। और उसके अलावा बिहार में 300 घोटाला हुआ है। सबसे बड़ा घोटाला सीटर घोटाला, शौचालय घोटाला, कोर्ट घोटाला, बैंक घोटाला, बहुत सारा घोटाला तो दबा के रखे हुए हैं। जैसे ये जो मामला आपको अभी मुजफ्फरपुर वाला कांड आया है, ये तो और पहले इनको पता चल चुका था, ये दबा के रखे हुए थे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ताकि अच्छी चीज को इसको निकाला। फिर महिला आयोग किस काम के लिए, उसको क्यों नहीं बर्खास्त किए? तो सब मिले हुए हैं ना। ये अगर ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सही से जांच हो तो पूरी सरकार जेल जाएगी, नीतीश कुमार जी स्वयं जेल जाएंगे। इस मामले मतलब ऐसे ऐसे घोटाले और भी बहुत सारे दबाए हुए हैं, बहुत सारे दबाए हुए हैं ना। जिस दिन नीतीश जी हटेंगे बिहार की जनता के आशीर्वाद से, तेजस्वी जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके 36 घंटे के अंदर इनका सारा पुल खुल जाएगा। और एक तरफ आरसीपी सिंह भी चारों तरफ घूम रहे हैं, अपने लिए पूरा प्रचार कर रहे हैं जदयू के लिए। उनका कहना है कि हम अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। आरसीपी सिंह घूम रहे हैं किसके लिए, तो क्या बोलेंगे? वो आरसीपी घूम रहे हैं आरसीपी टैक्स वसूलने के लिए घूम रहे हैं। अब वो घर घर घूम के वसूल रहे हैं। हुआ क्या है कि शराबबंदी इन्होंने किया, इन्होंने खुला छूट दे दिया। बिहार की पुलिस आज के डेट में होम डिलीवरी शराब की कर रही है, दारू की। इनको ठीक से पहुंचा नहीं रहा होगा पटना, चूँकि ये तो आजकल लगे हुए हैं आरएसएस, वहाँ नागपुर दौड़ रहे हैं या दिल्ली दौड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। अरे इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है बिहार में, वो भी आपका अलायंस पार्टनर, आपका खुद का अध्यक्ष भी, और पूरी सरकार उनके सेवा में लग जाती है। ये इससे समझ जाइए कि ये कितना परेशान है। ये परेशान है सरकार अपनी कुर्सी बचाने में, दौड़ रहे हैं अमित शाह के यहाँ, दौड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के यहाँ, नरेंद्र मोदी इनको मिलने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आर्य मोहन भागवत के यहाँ दौड़ रहे हैं, ये इधर इनका जो टैक्स सब आ रहा था आरसीपी टैक्स, उस पर कमी हो गया। अभी जिला जिला घूम घूम करके आरसीपी टैक्स वसूल रहे हैं, तैयारी नहीं चुनाव की तैयारी हो रही, टैक्स वसूल रहे हैं, चुनाव की तैयारी क्या हो रही है? चुनाव में तो टैक्स ले, ये टैक्स वसूलने के लिए जा रहे हैं ना, चुनाव की तैयारी नहीं कर सकते। इनको सवाल ही नहीं कि जनता के बीच में जा सके। अगर है हिम्मत तो मैं चैलेंज देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आप में अगर थोड़ी भी लज्जा है, थोड़ी भी हिम्मत है, थोड़ा भी सुशासन का अगर आपके अंदर थोड़ा भी है, तो आप आइए जनता के बीच में, आप आइए निकलिए। ये तो जब जाते हैं किसी जिला में तो कर्फ्यू लगवा देते हैं, जहाँ इनको जाना है अपने इलाके में, जहाँ इनको ठहरना है, जहाँ सभा करना है, वहाँ कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है और सरकारी कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा वहाँ बुलाया जाता है। बाल सेविका और कौन कौन सेविका सब है, कई सरकारी स्कूल के बच्चों तक को बुलाया जाता है और अपना मीडिया मैनेजमेंट में बोले और चल दिए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हों, या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव हों, या तेज प्रताप जी हों, या मिश्रा जी हों, ये लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो बिहार की जनता तो पूरा कोई कुछ नहीं, एकदम सीधा सामने एक बेड पर एक कुर्सी पर बैठ करके सब लोग एक दूसरे से जनता के बीच में सीधे जाते हैं। इनके कई कार्यक्रम हुए हैं लगातार जनता का समर्थन, 2-2 बजे रात में 10-10 हज़ार लोग रोड पर खड़े रहे हैं स्वागत करने के लिए। ये तो जनता के बीच में जा नहीं सकते हैं,
तो इसलिए इनके पास तो कुछ बोलने के है ही नहीं, तो इन्होंने अपना प्रवक्ता बहाल कर दिया है, दो तीन प्रवक्ता बहाल कर दिया है कि आप इस परिवार को गाली बोलते रहो। अरे राजनीति के इसको मर्यादा को इतना गिरा दिया इन लोगों ने कि अब तो शर्म आती है ना, क्या जवाब दिया जाए इन लोगों का। इसलिए ये कोई तैयारी व्यारी नहीं, इनके पास तैयारी का है क्या, ये क्या जवाब देंगे, झूठ पर झूठ। आपको जितना नल जल योजना है उसमें कितना घोटाला हो रहा है, लगात उसकी जांच हो जाए तो सारे के सारे पदाधिकारी जेल चले जाएंगे। गिट्टी बालू का मामला है, आज आज की बात है, आज उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया है, कहा है कि स्टूडेंट को इससे बहुत फायदा होगा, अब पढ़ाई की गति और तेज होगी। देखिए ये किसके साथ हैं, अफवाह मियां के साथ हैं, उसके बाद पूरे दुनिया का जो झूठ का सरदार है, भारत की इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ हम लोगों का शर्म से झुक गया कि पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री के वक्तव्य को हटाना पड़ा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये वो तो हर जगह झूठ बोलने की आदत है, जैसे रैली में झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट में भी समझते हैं कि पब्लिक रैली में है तो ही रहेंगे जिसके साथ, तो वैसे ही में झूठ बोलेंगे। धोखा देना भाजपा का काम, धोखा देना ये तो लगातार नीतीश कुमार जी लगातार धोखा देते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिए, इन्होंने नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, सामने से उनके प्लेट छीन लिया, कैसे भाजपा वाले उनके साथ बैठते हैं, हमको तो यही समझ में आता है थोड़ा भी लज्जा होगा शर्म होगा तो ये लोग नीतीश कुमार के साथ बैठना गवारा नहीं करें। लेकिन सुशील मोदी जो अफवाह मियां हैं, जो इनके गुतिया हैं, ये तो सत्ता के लालच में, देखिए भाजपा को सत्ता चाहिए, उसके लिए इन लोगों को देश को लड़ा देना हो, मार पीट दंगा फसाद, ये तो भाजपा के इतिहास रहा है, तो उसके वही साथ कर रहे हैं ये। तो नीतीश कुमार जी इनको, इनके पास अभी कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, ये भी जान भी रहे हैं कि बिहार की जनता इतनी आक्रोशित है, दलित पिछड़ा महादलित समाज के तमाम लोग इतने आक्रोश में हैं कि लोग तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर आवे और उसको कस के उस पर मुहर लगावे, इतने आक्रोश में है। इनको भी पता है इनकी सरकार नहीं चलने वाली है ना, इनको तो जाना ही होगा, ये बुरी तरह से घिर गए हैं और ये चाहेंगे कि छोटे छोटे प्यादा को बलि का बकरा बना के हम बच जाएं। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब जब इनको फंसना होता है अपने बलि का बकरा बना दिया, कभी डीएम को बना दिया, कभी एसपी को बनाया, मंजू वर्मा बिना नीतीश कुमार जी के इशारे के पत्ता हिला सकती है क्या, ये कोई भी काम हुआ है सीधे मुख्यमंत्री के संज्ञान में। अरे भाई जब आरसीपी टैक्स आता है सब जगह से, एक थाना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है, तो इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा कुकर्म बिहार सरकार के बिना मर्जी के हो रहा है क्या, कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है तो उस थाना के मिली भगत से होती है, इसी तरह इतने बड़े बिहार में इतना बड़ा कुकर्म हो रहा है जिससे पूरा देश संसार हो रहा है, बिहार सरकार के बिना संज्ञान के, बिहार सरकार के बिना संरक्षण के इतना बड़ा काम ब्रजेश ठाकुर कर ही नहीं सकते। उसके अलावा ब्रजेश ठाकुर क्या करोड़ों रुपए ऐड के नाम पर जा रहा था, मात्र 300 पर्ची छप रही थी, जबकि कम से कम 60,000 पर्चा छपेगा, पेपर छपेगा तब जाके उसको बिहार सरकार का ऐड मिलेगा, तो बिना इसके कैसे हो जाएगा। और मुख्यमंत्री के पास वो विभाग भी रहा है तो उनके परिवार के भी एक आदमी उस कमेटी जो है जो तय कर दी है उसको उसमें भी है, और इतना एनजीओ, फिर वहाँ से लड़कियाँ हटा करके दूसरे जगह क्यों नहीं रखा गया, कि आपने मधुबनी भेजा, मधुबनी क्यों भेजा उन बच्चियों को, क्योंकि इनके जो सबसे करीबी खासम खास हैं संजय झा, जिन्होंने इस सरकार से हटने के लिए और भाजपा से जुड़ने के लिए अरुण जेटली से इनका मीटिंग करवाया था, सिप्तोधार संजय झा, संजय झा के पीए का वो बाल के लिए मधुबनी में वहाँ रखा गया और वहाँ से बच्चियाँ गायब हैं, बच्चियों को बदल दिया जाए, किसी और बच्चियों को रखा जाए, ये तो शातिर आदमी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आरोप है, अब बस आरोप ही नहीं है, आरोप तो सिद्ध हो रहा है ना, जहाँ से कंडोम मिल गया, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट मिल गया, वहाँ से टैबलेट मिला, मंजू वर्मा के पति से बातचीत हुई ये मिला, अब हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपना कॉल डिटेल सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में लाएं कि आपकी किससे किससे बात हुई है, ब्रजेश ठाकुर का नंबर नीतीश कुमार जी से सीएम हाउस कितनी बार बात हुई है, इसको भी लावें आप सामने, पब्लिक डोमेन में लाएं। आप उनके घर पे खाना कैसे खाने जाते थे, कोई आदमी इतना बड़ा नेता किसी के घर पे जब तक उससे बहुत ज्यादा घनिष्ठता नहीं होगी, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं होगा, उसके घर पे कोई खाना खाने नहीं जा सकता। तो ये थे हमारे साथ काई शोएब।
युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष, इनका कहना है कि नीतीश कुमार उनके घर खाना खा जाते थे। अब इस बात की कितनी सत्यता है कितनी नहीं, ये तो जनता जाने। बने रहे न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।